सो हे गाइस, आज के हमारे इस वीडियो की शुरुआत हो रही है सीधी मेरे ड्राइवर सीट से। तो आपको लग रहा होगा कि आज मैं आपसे बात क्यों कर रही हूँ, तो पहले मैं आपको उस बारे में बता देती हूँ कि आज मुझे एक टास्क मिला है। टास्क तो नहीं बोल सकते, बट हमारे कोई सब्सक्राइबर ने हमें ये बोला है कि आप बैर फुट यानी कि बिना चप्पल के कार चलाओ और उसका एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करो। तो आपको कोई दिक्कत आती है या कुछ होता है तो आप हमें बताओ। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कभी भी ऐसे बिना चप्पल, या चप्पल तो नहीं, बेसिकली मैं शूज और क्रॉक्स ही पहनती हूँ, तो उसके बिना मैंने गाड़ी नहीं चलाई। और अभी तो मैंने चला, टाइम भी कितना हुआ है तो वो भी सोच सकते हो। तो अभी देखते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। वैसे तो मैं शूज और क्रॉक्स में ही गाड़ी चलाती हूँ, बट एक बार मैंने चप्पल में गाड़ी चलाई थी, तो उस दिन भाई साहब मेरी जो हालत हुई थी, मतलब मेरे पैर में वो सूजन आ गई थी। और उस दिन भगीरथ ने मुझे रिवर्स और चढ़ान पे गाड़ी चला के स्टॉप करने ऐसा बोला था, तो उस दिन मुझे बहुत दिक्कत आई थी। तब तब से लेके अब तक मैंने कभी भी चप्पल या सैंडल में कार नहीं चलाई है। मैं शूज पहनती हूँ, या तो मेरे पिंक वाले मेरे फेवरेट क्रॉक्स है, देखो ये वाले मैं क्रॉक्स पहनती हूँ। तो अभी तो बिना चप्पल के ही चलानी है, तो मुझे थोड़ी दिक्कत होगी, बट चलो हम ट्राई करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसा रहता है बिना शूज के, देखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि क्या होता है। चलो हेलो, ये कौन आ गया मेरे वीडियो में? तो गाइस, जो मैंने वीडियो में देखा है कि क्लच जो होता है, क्लच पे मतलब जो लोग बिगिनर होते हैं तो वो क्लच पे बिना चप्पल के प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि इंजन है वो उनसे कनेक्ट हो पाए, क्योंकि क्लच से इंजन कंट्रोल होता है। तो मतलब वही है कि ये बिना चप्पल के करे तो जो उसको क्लच की दिक्कत आती है, कब छोड़ना है, कब क्लच दबाना है, तो वो फील कर पाए। तो चप्पल में इतना ज्यादा नहीं होता, उसके बाद वो प्रो हो जाए, उसको पता चल जाए सब कुछ, उसके बाद तो चप्पल वगैरह सब कुछ पहन सकती है। पिछले वीडियो में एक सब्सक्राइबर ने भी बोला था कि आप लोग वैसे ट्राई करके देखो, क्योंकि इसको क्लच की दिक्कत होती थी, तो आई थिंक उसने देखा होगा। तो ये है, तो गाइस उसने दोनों पैर से चप्पल निकाल दी। आप कृपया अपना सीट बेल्ट ऑन कर लो, तो ये ओके, सब ओके, जो पीछे मैं चलो ये सब कर लेता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ कि क्या है। A few moments later. कैसा लग रहा है अभी? अभी तो इतने में तो कुछ नहीं होगा, पैर को इतनी दिक्कत नहीं हुई ना अब तक, तो इतने में कुछ पर तुझे पता चल रहा है कि हाँ, फील हो रहा है। जो वो मैंने क्लच जो छोड़ना है और रेस जो देना है ना, उसका जो वो आप मुझे पहले दिन सिखा रहे थे, वो आप मुझे बोल रहे थे ना कि आपको धीरे धीरे वो क्लच को छोड़ना है और धीरे धीरे उस रेस पे पैर रखना है, तो वो वाली जो फील है ना वो मुझे शूज में नहीं आई थी, बट आज आई और आज मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हुई, आपने देखा। बट अभी असली तो जो एक सर्कल आएगा उसमें पता चलेगा कि ये ट्रिक यूजफुल है कि नहीं, इसको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा। वो तो हम लोग को ये आगे सर्कल आ रहा है, वहाँ पे ट्रैफिक होगा बहुत, तो तब देखेंगे कि क्या एक्चुअल में ट्रिक काम करती है कि नहीं, यूजफुल है कि नहीं। क्लच आधा रख। ओके, अभी सीखी मैं, आपने बोला ना क्लच आधा रख, तो अभी बंद नहीं हुई। वो तो मैं तुझे मतलब जब से पहले से बोल रहे हो आप, हाँ। फर्स्ट और सेकंड में हो तो ऐसा करो, बट आज मैंने ऐसा क्या बोलते हैं उसको प्रैक्टिकली करके देखा, तो अच्छा है। चलो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो अभी हम ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हैं और पता नहीं अब मेरी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की वजह से मेरा अच्छा हो रहा है आज, कि फिर बिना शूज के हूँ तो इसलिए अच्छा जा रहा है, बट अब श्रेय तो यही ले जाएगा कि मैंने आज शूज नहीं पहना है। मतलब क्रेडिट तो मैं वो सब्सक्राइबर को देना चाहूंगा कि उसने ये हमें करने को बोला कि ये ट्रिक मैं पहले बोल रहा था, बट मैं लाइटली ले रहा था कि मुझे पसंद नहीं थी, तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं जब 10th पे था तब से मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो मुझे इतना मतलब ये सब भी हो सकता है कि क्लच और ब्रेक वगैरह हम लोग बिना चप्पल से दबाए तो इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट आ सकता है, वो मुझे पता नहीं था। बट थैंक्स टू वन ऑफ माय सब्सक्राइबर की जिसने मुझे ये सब नॉलेज दिया, और उसने तो ऐसा ही बोला था कि आप लोग एक बार ट्राई करना। मैं बोल रहा था ना मतलब काफी वीडियो में कि इसकी क्लच की दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है, तो मुझे देखो पूरा सर्कल जा रहा है अभी इसका, देखो फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, जल्दी करना है। नाइस, तो हो गया। तो गाइस मुझे ये सब पता नहीं चल रहा था कि ये
ट्रिक इतनी यूजफुल है, तो सही किया मतलब उस सब्सक्राइबर का आई थिंक मैसेज आया, बहुत अच्छा लगा। तो अभी इसकी जो मेन दिक्कत थी वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, और जो ब्रेक लगाने की दिक्कत थी और क्लच छोड़ने की दबाने की जो दिक्कत आ रही थी वो धीरे धीरे इसको समझ में आ रही है। वो थोड़ा वो भी है कि मैं इतने दिनों से चला रही हूँ कार और वो सब वीडियो भी देख रही हूँ भगीरथ की बदौलत तो उसकी वजह से भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, और मतलब 50-50 बोल सकते हैं। जो हर बार तुझे दिक्कत आती थी ना वो आज आज नहीं आ रही है। कॉन्फिडेंस है मेरा, मेरे अंदर आज सुबह से ऐसा ही था कि कोई बात नहीं चलो मैं कर लूंगी, तो कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट की ऑफ सक्सेस। हाँ वो भी है। तो ये है गाइस, तो अभी देखो बिना चप्पल के ही चला रही है, अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ नहीं रहा। अभी गाइस गुड़ी पार्क करी है यहाँ पे, चल आने दे थोड़ा, आने दे आसाइड रख, आसाइड आने दे आने दे। ओके गाइस फाइनली हम लोग इनर वीक में आ चुके हैं, बट भाई इतनी पब्लिक है ना यहाँ पे, इतनी पब्लिक है ना, बहुत ही पब्लिक। सो ओके गाइस, आज का हमारा जो टास्क था, जो टेस्ट था, वो फिलहाल खत्म हो चुका है, और मैं अभी आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है वो शेयर कर रही हूँ। तो आज का फिलहाल वो मेरा टेस्ट और टास्क आप जो भी बोलो वो ये था कि मुझे बिना शूज के वो कार चलानी है। तो वो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें ऐसा बोला था कि आप ऐसा करो, तो उस वजह से मैंने वो किया, बट वो मुझे काफी हेल्पफुल रहा, क्योंकि मैं पहले जब कार ड्राइव करती थी तो मैं शूज पहन के, या तो वो मेरे क्रॉक्स है वो पहन के मैं कार ड्राइव करती थी, तो उसमें वो दिक्कत आती है कि पैर और दोनों के बीच में वो ग्रिप आ जाती है, तो हम थोड़ा फील नहीं कर पाते। और आज मैंने बिना जूते के कार चलाई ना, तो मैं उसको फील कर पा रही थी। पहले क्या होता था, मैं आपको एक कॉमन डिफरेंस बताऊं, तो ब्रेक में मेरा ऐसा बहुत होता था कि मेरी थोड़ी शॉर्ट ब्रेक लगती थी, और भगीरथ ऑलवेज मुझे बोलते थे कि तू ब्रेक थोड़ी धीरे से लगा, इतने मतलब फोर्सफुली मत लगा कि डायरेक्ट कार रुक जाए, जो सब बैठे हो गए तो ऐसे हो जाएंगे। बट वो मुझे समझ तो आता था, बट वो मैं धीरे धीरे से कर नहीं पाती थी। अब वो आप ये बिना जूतों के चलाया वो बोलो, या फिर मेरी अब इतना मेरा एक्सपीरियंस है इतने दिनों का तो वो बोलो, या थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस अब आ गया वो बोलो, बट उसकी वजह से आज मेरा थोड़ा होपफुली अच्छा रहा। और भगीरथ ने भी ऑल डे के हिसाब से वो एनालिसिस किया, तो वो बोल रहे थे कि आज वाला तुम्हारा थोड़ा अच्छा था, तो मुझे लगा कि चलो आप ये थोड़ी ट्रिक है कि आप बिगनर हो और आप कार सीख रहे हो, तो आप पहले 2-3 दिन बगैर जूतों के आप सीखो तो आपको फील होगा, क्योंकि वो सीधा आपके पैर से कनेक्ट होगा। आफ्टर दैट आप शूज पहन के करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़े 2-3-4-5 दिन में आपको वो सब मैनेजमेंट थोड़ा अच्छे से वो सब कुछ हो जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली आज का जो वीडियो था वो उस टॉपिक पे ही था, बट ये ट्रिक मुझे थोड़ी हेल्पफुल लगी और मुझे पसंद आई काफी। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि चलो आप बिगनर हो तो 2-3 दिन आप बिना जूतों के कार ड्राइव करोगे तो वो पैर बैठ जाएगा, और आपको धीरे से वो छोड़ना है और धीरे से उस पे पैर रखना है, वो आपका जजमेंट थोड़ा आ जाएगा। अब सब लोगों के लिए वर्क करेगा या नहीं वो हमें नहीं पता, क्योंकि हाँ हमें यूजफुल रहे। और मेरा तो क्या था कि मैं 3-4 महीने से गाड़ी चला रही हूँ और वीडियोस भी देख रही हूँ, अल्टरनेट रेगुलर नहीं है मेरा कुछ ऐसा, बट इस बार थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस भी था, मुझे ऐसा था कि चलो मैंने लास्ट बार चलाई थी अच्छी थी, भगीरथ ने भी बोला था, और ये वाली ट्रिक भी काम आई, तो वो सब मिलाकर आज काफी अच्छा रहा, बट ये यूजफुल तो लगा मुझे, मुझे ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा तो लगा कि ये करना चाहिए। तो ठीक है, मेरा आज का ये वीडियो और ये टास्क यहीं तक था, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और यूजफुल लगे, और थैंक यू मेरे वो सब्सक्राइबर के लिए कि जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप ये वाला वीडियो करो, तो उनके कहने पर उसके तुरंत दूसरे दिन मैंने ये वीडियो शूट किया, और अभी तो ये सब अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों है, और भगीरथ को ये सब दे दूंगी, और वो जब एडिट करके मुझे देंगे तब हम लोग पोस्ट करेंगे। तो देखते हैं, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको पता ही ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके बाय बाय, गुड नाइट। पॉइंट आएगा एक तो वो मिडल पॉइंट आएगा, रेस आप अभी गैस इसको थोड़ी दिक्कत हो रही है, अभी पुल आया ब्रिज आया ना तो इससे मुझे डर लगता है। हाँ तो इसको जाने दो, फिर बोलेगी ये।